के साथ। जिले में संगठित अपराध करने वाले गिरोह को कमिश्नरेट पुलिस ने उजागर किया है। इस गिरोह में ऑटो चालकों से लेकर रेकी करने वाले और वारदात को अंजाम देने वाले तक लोग शामिल हैं। इन आरोपियों में अजय निवासी अंबेडकर नगर नई दिल्ली, गोपी और संतोष निवासी मदनगिरी, सूरज निवासी दिल्ली के अलावा वाराणसी में आदमपुर निवासी ऑटो चालक राजेश यादव भी शामिल हैं। इस खुलासे के संदर्भ में लालपुर पांडेपुर थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में गिरफ्तार किए गए इन सभी अभियुक्तों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए ADCP वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह ने बताया कि गिरोह पूरी तरह से टप्पेबाजी के जरिए लोगों के कीमती सामान पर हाथ फेरता था। मशक्कत के बाद पूरा गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ा तो पूरा मामला उजागर हो गया। पुलिस के अनुसार ऑटो चालक सहित कुल 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। यह पूरी गिरफ्तारी थाना लालपुर पांडेपुर द्वारा की गई है। बताया गया कि मूल रूप से तमिलनाडु के ये सभी बदमाश हैं, जो अब दिल्ली के मदनगिर इलाके में रहते हैं। यह सभी ऑटो से अपने टारगेट की रेकी करते हैं। ऑटो चालक को हर वारदात का एक बड़ा हिस्सा भी मिलता था। पूरा गिरोह एक साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाता था। यह गिरोह चार पहिया गाड़ी से यात्रा कर रहे बुजुर्ग या महिला यात्री को शिकार बनाता था। इस दौरान यात्री के बैग को पकड़ने के तरीके से उसमें मौजूद सामान की कीमत का अंदाजा लगा लेते थे। बीते दिनों चार्टर्ड अकाउंटेंट शशिकांत गुप्ता को भी गिरोह ने अपना शिकार बनाया था। इस दौरान वारदात को अंजाम देने के बाद गिरोह गहने और लैपटॉप लेकर फरार हो गया था। वहीं शिकायत मिलने के बाद शहर में सैकड़ों CCTV कैमरे के फुटेज की जांच कराई गई, तब जाकर पुलिस को अहम सुराग मिला और पूरी जांच के दौरान आरोपित पकड़ में आ गया। इस दौरान लगभग आधा दर्जन मामलों का खुलासा हुआ तो सोने के जेवर सहित लाखों के माल भी बरामद हुए हैं। इसमें कुल मिलाकर के 6 बदमाश पकड़े गए हैं, जिसमें 2 बदमाशों के पास से एक लैपटॉप और जो इनके जरूरी कागजात थे वो बरामद हुए थे। उनको जेल भेजा जा चुका है और उनके जो साथी थे, जो लगातार यहाँ पे उसके बाद ही वारदात करने का प्रयास कर रहे थे, इनके 4 साथी कल शाम को गिरफ्तार किए गए हैं। बाईपास से गुलठी मोड़ के पास से गिरफ्तार हुए हैं। ये बदमाश हैं विजय, संतोष, गोपी और सूरज। ये 4 बदमाश जो हैं ये मदनगिर थाना अम्बेडकर नगर दिल्ली के रहने वाले हैं और एक तरीके से ये पूरा गैंग इसी प्रकार की वारदात करता है, टप्पेबाजी की वारदात करता है। इनसे जब पूछताछ की गई है तो अब तक जो वाराणसी में 7 वारदातें डिफरेंट थानों में, चितईपुर में, कैंट में, बडवाडी और सारनाथ में ये वर्कआउट की गई हैं। इन वारदातों के साथ में इनके वारदात का माल मिला है। जो ज्वेलरी बरामद हुई है वो सारी ज्वेलरी जो मिस्टर शशिकांत गुप्ता जी की वारदात के दौरान गई थी वो सारी ज्वेलरी रिकवर कर ली गई है। इसके अलावा विभिन्न वारदातों के पैसे, 2 रुपये और ज्वेलरी अन्य बरामद की गई थी वो भी बरामद की गई है। इनके पास से 2 तमंचे भी मिले हैं, एक 38 बोर का तमंचा मिला है और एक 315 बोर का तमंचा मिला है। ये गैंग शातिर गैंग है। सच के साथ।